तो हेलो गाइस यार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी बज रहा है 8:45 और गाइस आज है यार 15 जुलाई, जो कि आज है सोमवार। अभी हम लोग आ चुके हैं तखतपुर सब्जी मंडी सब्जी खरीदने के लिए। और गाइस आज रहता है बेलपान का बाजार, जो कि सोमवार है। तो और अभी जस्ट पहुंचे हैं और आ रहे थे ना, तो रास्ते में यार पानी गिर रहा था और अभी भी यार पानी गिर रहा है, हल्का फुल्का पानी गिरना स्टार्ट हो गया है। और मार्केट के समय में आज बस मत गिरे यार, उसके बाद ना रोज गिरे ऐसा लगता है, क्योंकि ना जो भी अपना प्रॉफिट कमाई होता है वो आज ही होता है। ये देख सकते हैं गाइस, पानी गिरना स्टार्ट हो गया। उधर देखो गाड़ी में दिख रहा है, ऐसे तो नहीं दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा है। और गाड़ी अपना वहाँ पर खड़ा होता था यार, आज ना यहाँ पर आ गए हैं बहुत दूर में, एकदम वहाँ पर खड़ा रहता था मस्त बराबर में। यहाँ पर एकदम एक अंगू है, एक साइड है गाड़ी जो है। और देख सकते हैं आज बहुत ज्यादा गाड़ी आग खड़ा हो गया। तो गाइस अभी यार हमने सबसे पहले भिंडी बैगन और करेला से स्टार्ट किया है। तो गाइस यार देख सकते हैं, सबसे पहले हमने लिया था बैगन को 22 रुपए किलो में, जो कि 27 किलो है। और भिंडी ये देख सकते हैं, भिंडी है अपना 33 किलो, जिसको हमने खरीदा है 17 रुपए किलो में। एक बोरी इसमें है और एक बोरी इसमें है, देख सकते हैं। देखो गाइस अपना करेला, करेला को हमने खरीदा है 35 रुपए किलो में। कल का ही रेट है करेला, एकदम ताजा ताजा है, मस्त करेला जो है ये देख सकते हैं, मस्त ताजा और है। ये देख सकते हैं हमने 300 जुड़ी लाल भाजी भी खरीदा है यार, 250 रुपए सैकड़ा में। एक जुड़ी 250 रुपए पड़ा है, देख सकते हैं आज का जुड़ी थोड़ा ज्यादा ज्यादा है, मस्त है भाजी जो है। कल से थोड़ा क्वालिटी डाउन है, लेकिन ठीक है। अभी यार हमने आलू बरबट्टी और पंचाई और खरीद लिया है। ये देख सकते हैं हमने 3 बोरा आलू खरीदा है 1600 रुपए बोरा में, देख सकते हैं 3 बोरा है आलू है। और ये देख सकते हैं हमने सबसे ज्यादा पंचाई को खरीदा है 35 रुपए किलो में, 58 किलो है। क्वालिटी देख सकते हैं आज का बहुत बड़ा बड़ा है ये कोचाई जो है, अरबी, अरबी भी बोलते हैं हम लोग, कोचाई बोलते हैं, देख सकते हैं 3 कैरेट में रखे हैं, 58 किलो है, 2030 का बना है। गाइस अपना बरबट्टी 25 किलो, 18 रुपए किलो में खरीदे हैं हमने इसको, देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी मस्त। खीरा भी लिया है गाइस, देख सकते हैं यार, खीरा को लिया है 13 रुपए किलो में 2 पैकेट, देख सकते हैं मतलब 40 किलो है खीरा जो है, ठीक है। क्वालिटी जो है ऐसा रहता है ना, तब जाके बिकता है, देखो मस्त दिख रहा है। ये देखो गाइस छोटू लेके आ गए है खेक्सा पहली बार इस समय, कितने का है ब्रो? 40 रुपए किलो का है, 40 रुपए किलो। खैर छोटू को बताना भी नहीं आता है, जब भी उसके सामने मोबाइल रखता हूँ कैमरा तो फिर दूसरा बोलने लगता है। 40 रुपए किलो का है, 15 किलो होगा मेरे ख्याल से, 15 किलो है ब्रो, 21 किलो है बोल रहे हैं यार, वजनदार रहता है ना, भले कम दिख रहा है क्वालिटी ठीक है। तो अभी गाइस यार हमने टमाटर भी खरीद लिया है, ये देख सकते हैं गाइस, इस टमाटर को खरीदे हमने 1030 रुपए में, और इससे थोड़ा सा बड़ा टमाटर है ये है 1150 रुपए का टमाटर, देख सकते हैं, और ये है 1030। तो गाइस यार अपने को जितना भी सब्जी लेना था ले लिया है, और टमाटर आज 3 कैरेट बस लिया है, क्योंकि टमाटर का रेट आज बढ़ गया है, 1150 में लिया है, 1030 में लिया है, 1050 में लिया है, 3 कैरेट लिया है, 3 रेट में लिया है। और तो फिर चलो गाइस चलते हैं घर। तो गाइस यार अभी बज चुके हैं 3:30 और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बेलपान का बाजार, जो कि आज है सोमवार। तो फिर चलो गाइस अपना दुकान लगाते हैं। तो फाइनली गाइस अपना दुकान जो है लग के रेडी हो चुका है, चलो अपना सब्जियों का रेट बताता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हैं मैंने रखा है लाल भाजी 300 जुड़ी, जो कि अभी 20 का 4 जुड़ी दे रहा हूँ, कूढ़ा रखा हूँ 20-20 का। और कद्दू है वही 10-12 किलो है, अभी 30 रुपए किलो दे रहा हूँ कद्दू को। और वहाँ पर भी चल के अपना रेट बताता हूँ सब्जियों का, देख सकते हैं वहाँ तक लगा है, पूरा दुकान लग के रेडी हो चुका है। तो चलो गाइस यार यहीं से रेट बता देता हूँ, देख सकते हैं खेक्सा से स्टार्ट करता हूँ। खेक्सा है अपना 60 रुपए किलो, खीरा है 20 रुपए किलो, और बरबट्टी 30 रुपए किलो, कोचाई भी 50 रुपए किलो है, करेला भी 50 रुपए किलो है, भिंडी को दे रहे 30 रुपए किलो, बैंगन को भी दे रहे 30 रुपए किलो, और टमाटर 60 रुपए किलो है वहाँ पर, देख सकते हैं भाजी 20 के 4 है, चल ले चल बोहनी टाइम 20 के 5। और कुछ कद्दू वगैरह? तो गाइस आलू भी है वहाँ पर, देख सकते हैं उसको भी दे रहे हैं 40 रुपए किलो, और इतना कुछ है अपने पास, देख सकते हैं कद्दू भी है वहाँ पर 30 रुपए किलो, और मेरे पास भी है ये, सब एक एक किलो है ना, 30 रुपए मात्र। और वो वाले 20-20 के 2 छोटे छोटे, और लाल भाजी है भाई 20 के 4 जुड़ी 10। और आए चैंपियन,
आधा किलो करेली तो गाइस यार देख सकते हैं मेरा भाजी अभी चार कूढ़ा बस बचा है और वहाँ की सभी भाजी बिक गए हैं, एक भाजी बचा है, एक तो बस एक जुड़ी। और वहाँ देख सकते हैं भीड़ अभी लगा है यार दो चार का, और सब्जी अपना बचा है वहाँ पर। और ये देखो लालू भैया की सब्जी पूरा खाली हो चुका है, मात्र बैगन बस बचा है। और पलेश्वर के पास भी भिंडी बिक गए हैं, टमाटर बिक गए हैं, और बैगन बरबट्टी करेला बाकी है मेरे पास बस यही। और दो किलो कद्दू भी यार मेरे पास देख सकते हैं, 30 रुपये किलो दे रहा हूँ। आखिरी हो गए गाइस भाजी जो है, आप कोहड़ा ले जाए, एक किलो बचे हुए हैं तो फिर दोनों आखिरी हो जाए। चलो भाजी तो बीता कम से कम। गाइस यार मार्केट पूरा खाली हो चुका है और मैं बैठा था यार भाजी और कद्दू जो कि पूरा बिक गया है। तो गाइस यार देख सकते हैं यहाँ पर भी बचे हुए सब्जी को उठा लिया, ये देखो। और अपना गाड़ी भी आ गया है, अब सीधा गाड़ी में लोड करेंगे। तो ये देखो गाइस एक क्रेट कोचा ही बचा है, एक क्रेट से थोड़ा कम है, 40 ही बेच दिया तब जाके इतना बचा है, वरना और ज्यादा बचता। इसमें थोड़ा सा बचा है, ये देखो खेक्सा, उसमें है खीरा, एक क्रेट से वो भी कम है, दो क्रेट खीरा लाए थे, मतलब दो पैकेट। और यहाँ पर देखो करेली बचा है इतना, और इतना भिंडी बचा हुआ है, और बैंगन थोड़ा ज्यादा बचा है, कल का भी बचा था एक क्रेट, और आज लाए थे 27 किलो वो। और ये तो ये वाला बैंगन भी बचा है, बाकी टमाटर पूरा 3 क्रेट बिक गए हैं, और आलू बचा है 1 क्रेट, वहाँ पर दोनों करके 1 क्रेट है, मिर्ची है, धनिया है बस। तो हेलो गाइस यार गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज है यार बुधवार, जो कि गाइस सोमवार के दिन का ब्लॉग जो है एंड नहीं किया था,
बुधवार के दिन एंड करता हूँ यार पूरा सब्जी बिक जाने के बाद में। गाइस सोमवार के दिन के बाजार की बात करें तो यार बहुत बढ़िया था उस दिन का बाजार, जो है बढ़िया चला था। मैं बेच रहा था यार भाजी और कद्दू, जो कि मेरा भाजी बिक गया था और कद्दू भी बिक गया था यार। कद्दू को ना 20 रुपए किलो में लेकर गए थे 32 किलो, जो कि सभी कद्दू बिक गया था। तो अपने को यार भाजी और कद्दू बेचकर भी बढ़िया प्रॉफिट हुआ है। मान के चलो यार कद्दू में 250 रुपए ही मान के चलो, क्योंकि ना काटते समय यार कम ज्यादा हो जाता है, मतलब ज्यादा ही जाता है कम तो नहीं जाता है। और भाजी को भी यार 250 बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि यार उसको भी यार ज्यादा ज्यादा करके बेचना पड़ता है, क्योंकि ना 5 दे रहा था, शुरू 4 दे रहा था, 4 में नहीं ले रहा था ना, तो 20 का 5 कर दिया, 5 किया तो उसके बाद 6 मांग रहा था यार, तो 6 ही देना पड़ा। तो सभी भाजी को 20 के 5 और 6 में बेचा, तो मान के चलो यार 250 रुपए दोनों में मिला, तो मेरे को 500 रुपए भाजी और कद्दू बेचकर प्रॉफिट हुआ। और गाइस ये प्रॉफिट बताया, ये मेरे पास का सब्जी का प्रॉफिट है। और गाइस पूरा टोटल सब्जियों की बात करें ना, तो हम लोग लेकर गए थे 15,430 रुपए का सब्जी लेकर गए थे यार, जिसको हमने ना 17,950 रुपए का सेल किया है। तो गाइस अपना प्रॉफिट बनता है 2,520 रुपए मेरे पास और छोटू और बाबू बेच रहा था उसके पास करके। तो यार इतना प्रॉफिट बहुत बढ़िया है, बहुत दिन बाद हुआ है। और शुरू में बढ़िया रेट में बेच रहे थे यार सभी सब्जियों को, लेकिन बाद में कम करना पड़ गया, वरना और ज्यादा हो रहा था। तो भी इतना बहुत ज्यादा है, जितना मिलता है प्रॉफिट उतने में हम लोग खुश रहते हैं, क्योंकि यार और किसी दिन तो 1 रुपया भी नहीं मिलता है, अपना पैसा बनाना बाकी रहता है। और जो रविवार का दिन भी अपना पैसा बनाना बाकी था, उसमें भी हमको 1200-1300 रुपए के लगभग हमको प्रॉफिट हुआ है उस दिन रविवार के दिन के सब्जी में। तो चलो गाइस यार आज का वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम गाइस।